बाजार के उतार चढ़ाव से हर किसी को डर लगता है, लेकिन आप इस अस्थिरता को कैसे संभाल सकते हैं, कैसे इससे निपट सकते हैं, कैसे इसका सामना कर सकते हैं? अगर आपके पास एक सही रणनीति है तो आप बिल्कुल बाजार के उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं। लेकिन रणनीति में भी क्या आप रणनीति पूरी तरह से इक्विटी की बनाएं या आप डेट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी बनाएं? अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आपके काम की है हाइब्रिड कैटेगरी। जी हाँ, हाइब्रिड कैटेगरी में आपको जिस तरह की डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, आप किस तरह से बाजार की वॉलिटिलिटी का सामना कर पाएंगे, आज हम इसी बारीकी को समझेंगे निवेश की एबीसीडी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं एडलवाइस एएमसी के को हेड एंड हाइब्रिड सॉल्यूशंस फंड एंड फंड मैनेजर भरत लाहोटी। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहला सवाल तो साफ तौर से यही होगा कि बाजार की तमाम चिंताओं में से कौन सी चिंता आपको बड़ी लगती है? क्या हम यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन को ज्यादा बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ब्याज दरें बढ़ने की टेंशन, या महंगाई जो दुनिया भर के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है? धन्यवाद दर्शकों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमको बुलाने का। अगर आप देखेंगे लास्ट 7 महीनों में क्या हुआ है मार्केट में, काफी रोचक रहा है ये मार्केट। अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर 2020 से कोविड के थर्ड वेव की बातें चालू हो गई थी, जिसके बाद आपने देखा होगा कि यूएस में क्वांटिटेटिव ईजिंग जो हुआ था वो रिवर्सल की बातें चालू हो गई थी, यूएस फेड रेट की टाइटनिंग की बातें भी चालू हो गई कि इंटरेस्ट रेट वहां बढ़ना चालू होना चाहिए था बिकॉज ऑफ हाई क्वांटिटेटिव ईजिंग जो हुआ है लास्ट 1-1.5 सालों में, तो उसके कारण एक और चीज चालू हुई थी। और तीसरा ऊपर से अपना यहाँ पे हो गया जियोपॉलिटिकल रिस्क जो यूक्रेन और रशिया के बीच में चालू हुआ, वो एक और इवेंट हो गया। इस बीच में हमारे यहाँ पे भी 2 लोकल इवेंट भी हुए थे, एक बजट भी हो गया था और एक इलेक्शन जो स्टेट इलेक्शन हुए थे, दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट इवेंट व्हिच वाज देयर। तो आप देखोगे ये 7 महीने में काफी इवेंट हो चुके हैं मार्केट में, मार्केट में काफी वोलेटिलिटी रह चुकी है। अगर आप देखोगे निफ्टी 18,400 के लेवल से गिर के 15,800 के लेवल तक आ गया था, 2600 पॉइंट का आप देखोगे कि गिरावट आई थी इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये इतने सारे इवेंट हाई पावर्ड इवेंट थे ये सब, तो उसके कारण मार्केट में भी काफी वोलेटिलिटी देखी गई है। अभी अभी आगे की तरफ अगर देखेंगे तो देखो काफी हद तक काफी चीजें क्लियर होती जा रही है। अगर आप वॉर की सिचुएशन देखिए तो काफी हद तक क्लैरिटी आने की उम्मीद दिख रही है कि क्या हो सकता है आगे की तरफ, जो अभी एज ऑफ नाउ जहां पे सिचुएशन है, तो काफी हद तक अगर देखोगे मार्केट ने भी उसको कॉग्निजेंस लिया है कि हाँ भाई ये दिख रहा है। उसका अगर देखोगे 15,800 से मार्केट अभी 17,500 के अराउंड मार्केट आ चुका है, तो मार्केट ने भी वो डिलीव किया है। यहां से अगर देखेंगे कि क्या क्या चीज इन निवेशक को देखना जरूरी है कि ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क हुआ है, ये वॉर जो हुआ है, उसके बाद के क्या क्या आसार हो सकते हैं। एक जो बड़ी आसार जो दिखाई देती है इन्फ्लेशन, जो बड़ा प्रॉब्लम ग्लोबली हो सकता है और डोमेस्टिकली भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे कमोडिटी प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं, तेल जो अपन सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं वो काफी ऊपर आ चुका है, इसके कारण हमारा इन्फ्लेशन काफी हाई हो सकता है डोमेस्टिक भी और ग्लोबली भी। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इशू जो रह सकता है वो डिमांड के बारे में होगा। यूरोप एक क्योंकि यूरोप के यहाँ पे ये सब काम हो रहा है, तो डिमांड का एक क्वेश्चन मार्क रहेगा हमेशा कि डिमांड कितना हद तक गिरेगा। तो एक ग्लोबली में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ये एक्सपेक्टेशन बनती जा रही है कि जीडीपी ग्रोथ रेट, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट शायद डाउनवर्ड रिवाइज करना पड़े ग्रोथ रेट, और इन्फ्लेशन हाई बढ़ाना पड़े। तो ये एक कंसर्न दिख रहा है कि शायद स्टैगफ्लेशन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, बट अगर उसी पूरा अगर आप इसमें देखेंगे कि कार्यकाल में, तो देखोगे कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पे ग्रोथ रेट फिर भी दिखाई दे रहा है काफी हद तक। अगर आप देखोगे तो फ्लोस काफी हद तक FI फ्लोस आउटफ्लोस काफी हो चुके हैं। अगर आप देखोगे लास्ट ये कैलेंडर ईयर में ही देखेंगे कि जनवरी से लेकर मार्च तक अराउंड $15 बिलियन का आउटफ्लो हुआ। अगर आप अक्टूबर से ये नंबर देखेंगे तो ये $20 बिलियन का नंबर के अराउंड कुछ बैठता है, तो काफी आउटफ्लो हो चुका है। जो इक्विटी और
डेट के अंदर मिक्स बनाना था जो ग्लोबल पोर्टफोलियो मैनेज को, वो उन्होंने काफी हद तक बना दिया है और उसके कारण यहाँ से हमको दिखाई देता है कि कोशिश रहेगी कि आप बैलेंस अप्रोच में चलाइए, कोशिश करेंगे उन्होंने और वहां से ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये इसी बैलेंस अप्रोच के पहले मुझे क्योंकि आप आपकी महारत तो हाइब्रिड कैटेगरी में ही है, जो भी कंसर्न्स आपने अभी गिनाए हैं इनका असर इक्विटी बाजार पर तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन कितना इम्पैक्ट डेट बाजार पर पड़ेगा और किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, क्या इम्प्लीकेशंस हो गए, अगर आप ये भी समझा सकें। अगर डेट मार्केट में देखिए तो आप ग्लोबली इंटरेस्ट रेट तो बढ़ना चाहोगे, दूसरा एक आप देखोगे कि यील्ड कर्व, जो आप यील्ड कर्व जिसे बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट रेट और लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट रेट कैसे चल रहे हैं, तो वो भी एक इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में जाने लगा है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट इतने नहीं बढ़ रहे हैं, तो एक इन्वर्टेड यील्ड कर्व स्ट्रक्चर तक बनने लग गया है। ये सब दर्शाता है कि थोड़ा डिमांड में एक मंदी आ सकती है जिसका असर दिखाई देता है, बट ये अगर आप अगर होलिस्टिकली पिक्चर देखेंगे तो ये हमेशा जब भी इतने सारे इवेंट्स एक साथ लाइंड अप होते हैं तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे हिसाब से। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लैरिटी आने चालू हो जाएगी ये सब नॉर्मलाइज होना लगेगा, थोड़ा थोड़ा नॉर्मलाइजेशन आपको स्ट्रेट अवे दिख रहा होगा कि जो रिस्क ऑफ होता है वो धीरे धीरे वो कम होने लग गया है, कि जो रिस्क ऑन जो स्ट्रक्चर रहता है कि हम वो ज्यादा रिस्क लेना नहीं है वो काफी हद तक कम हो गया, अब मार्केट थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रहा है। अगर आप इंडियन स्ट्रक्चर में देखेंगे इंटरेस्ट रेट पे क्या बिहेवियर है, आरबीआई काफी हद तक यहाँ पे एकोमोडेटिव पॉलिसी कंटिन्यू करने के फेवर में रहा है, हमारे यहाँ पे ग्रोथ को फोकस रहेगा, तो यहाँ पे हमको लगता है इंटरेस्ट रेट थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेंगे बट वो भी फैक एंड में बढ़ने वाले हैं ना कि फ्रंट एंड में। यूएस में इंटरेस्ट रेट काफी पहले बढ़ेंगे और अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टर को निवेशकों को देखना रहेगा कि डेट का जो रिटर्न है, अगर लास्ट दो साल देखेंगे तो इक्विटी मार्केट ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, तो डेट एक और एवेन्यू हो सकता है जो इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी खोल सकता है फ्रॉम यहाँ से। तो मौजूदा समय अगर मैं देखना चाहूँ बाजार का, जिस तरह की अस्थिरता दिखाई दे रही है, वॉलिटिलिटी की हम बात कर रहे हैं, पोर्टफोलियो को डिजाइन करते वक्त क्या हमारा तवज्जो थोड़ा सा हाइब्रिड कैटेगरी की ओर भी होना चाहिए? एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे कि काफी निवेशक एसेट एलोकेशन की बातें तो करते हैं पर कभी एसेट एलोकेशन एक्चुअली करते नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमने इन्वेस्टर को देखा है तो एक ही एसेट की तरफ ज्यादा लोडेड हो जाते हैं, या रियल एस्टेट या फिक्स्ड डिपॉजिट, डेट या इक्विटीज, तो बहुत जगह तक ये होता है। और जो भी कोई करता भी है एसेट क्लास एलोकेशन, ये वोलेटिलिटी का फायदा नहीं उठाता, वो हमेशा विपरीत दिशा में चलता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से बताऊं कि 2014 में मार्केट में तेजी दिखाई दी थी, इक्विटी मार्केट में तेजी दिखाई थी, सारे इन्वेस्टर्स इक्विटी के मार्केट की तरफ चले गए कि 2014 की इक्विटी मार्केट, बट अगर आप देखेंगे 2015-16 में द बेस्ट एसेट क्लासेस वॉज बॉन्ड मार्केट, डेट मार्केट ने काफी अच्छा रिटर्न दिया था। अब वापिस 2015-16 के बॉन्ड मार्केट अच्छे रिटर्न दिए थे बट 2017 अगेन इक्विटी मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया था। अगर आप 2018-19 का देखें तो गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया था। अभी 2020-21 में अगर आप देखोगे सेकेंड हाफ ऑफ 2020 और 21 में इक्विटी मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया। तो ये सिक्लिकलिटी चलती रहती है, ये वोलेटिलिटी अपने को यूज करना रहता है इन्वेस्टर्स को कि आपके एडवांटेज के लिए आप यूज करो। हाउ टू यूज दिस, दैट इज द क्वेश्चन। वो अलग अलग तरीके हैं, प्रोडक्ट्स हैं जिसके थ्रू आप ये वोलेटिलिटी और को आपके बेनिफिशियल के लिए यूज कर सकते हैं। मुझे अब एक रणनीति अगर आपसे चाहिए हो, खासतौर से उन लोगों के लिए जो मौजूदा समय ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हाइब्रिड कैटेगरी में ऐसा कौन सा सुझाव आप उनको देंगे कि वो अपने पोर्टफोलियो में इसे शामिल कर सकते हैं और किस तरह से उनके कंसर्न्स को ये कैटेगरी एड्रेस करेगी? हाइब्रिड कैटेगरी एक थोड़ा अगर आप देखोगे कैटेगरी अभी लास्ट 5-7 सालों में काफी गेन ट्रैक्शन किया है। अगर अभी अगर ईयूएम साइज देखेंगे तो हाइब्रिड कैटेगरी के ओवरऑल अराउंड 4.5 लाख करोड़ का एसेट है,
अगर आप इक्विटी और डेट के कंपेयर करोगे तो इक्विटी में अराउंड 10 लाख करोड़ का इक्विटी में AUM है, और डेट में तो उससे भी ज्यादा है, इक्विटी AUM डेट में AUM काफी ज्यादा है। तो हाइब्रिड कैटेगरी भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, और काफी प्रोडक्ट्स इसमें आ रहे हैं जिसमें निवेशकों को भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। एक मॉडरेट इन्वेस्टर या थोड़ा इन्वेस्टर जिसको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, वहां पे अगर आप देखोगे हाइब्रिड कैटेगरी में बहुत सारे फंड्स अवेलेबल है, फ्रॉम आर्बिट्राज फंड से लेके इक्विटी सेविंग फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, तो काफी कैटेगरी है। ये सब इक्विटी प्रोडक्ट से इक्विटी टैक्सेशन बेनिफिट देती है, और ये सब प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर टू कस्टमर, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, रिस्क प्रोफाइल, आप प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरीज के अंदर काफी वैरायटी है प्रोडक्ट्स टू खेलने के लिए। लेकिन वही है, अब क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर इतने सारे फंड्स हैं, चुनाव कैसे किया जाए, किस तरह के निवेशक के लिए किस तरह का फंड सही होगा, अगर मैं एक नए निवेशक से लेके एक पेंशनर तक के लिए सलाह मांगूं आपसे, तो इतनी कैटेगरी इस कैटेगरी में इतने सारे फंड्स हैं, इतने तरह तरह के फंड्स हैं, तो चुनाव कैसे किया जाए? चुनाव देखो, इसमें अगर देखेंगे तो सबसे लोएस्ट, अगर आप रिस्क रिटर्न के मैट्रिक्स में देखेंगे कि कौन सा फंड में कितना रिस्क ले रहे हैं और कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन आप बना रहे हैं हर एक फंड कैटेगरी के अंदर, तो हर एक फंड कैटेगरी अलग अलग डोमेन में काम कर रही है। आर्बिट्राज फंड इज दी वन ऑफ द कैटेगरी वेयर यू कैन कंपेयर विद लिक्विड फंड्स। अगर आप देखेंगे कि ये फंड लिक्विड फंड से बेटर रिटर्न देने की क्षमता रखता है, तो आप एक उस तरीके से सोच सकते हैं। तो ये एकदम लोएस्ट हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर है स्कीम, जहां पे आपके रिटर्न रिस्क रिटर्न दोनों कंट्रोल्ड में है। उसके बाद अगर नया निवेशक है जिसने कभी इक्विटी मार्केट देखा नहीं है, उसको भी पहली बार चेक करना है इक्विटी मार्केट पे कैसे अप्रोच करे, किस तरीके से करें, तो उसके लिए एक इक्विटी सेविंग फंड प्रोडक्ट काफी अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें अराउंड 30% से 40% का इक्विटी रेंज रहता है, बाकी डेट और आर्बिट्राज रहता है। आर्बिट्राज इज अ क्वाजी डेट काइंड ऑफ स्टफ, तो आप वो एक एक नए इन्वेस्टर के लिए होता है जो इक्विटी मार्केट में पहली बार आया है। दूसरा एक है आता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जहाँ पे आप एक बैलेंस्ड व्यू लेके चलते हो, जहाँ पे अपना 65% इक्विटी से 80% इक्विटी रहता है, और बाकी बचा हुआ 35 से 20 से 35% डेट के अराउंड रहता है। तो एक बैलेंस अप्रोच है जो एक मंझा हुआ इन्वेस्टर है उसमें कर सकता है। और जो काफी इन्वेस्टर जो जिसके बारे में जिसको मार्केट के बारे में नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो एक है ना बैलेंस एडवांटेज फंड भी है, जहाँ पे इक्विटी और डेट के बारे में कितना डालना चाहिए कितना नहीं डालना चाहिए वो आपके पे लेवल पे नहीं है, वो आप फंड मैनेजर के पे छोड़ दीजिए। फंड मैनेजर डिसाइड करेगा ये मार्केट कंडीशन में कितना इक्विटी रहना चाहिए कितना डेट रहना चाहिए। तो एक बैलेंस एडवांटेज और डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड होता है, उसमें ही वो इन्वेस्ट कर सकता है। ये फंड ऐसा है जो एक मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए काफी हद तक फायदेमंद है, बिकॉज उसको डिसाइड नहीं करना है कि इन्वेस्टर को इक्विटी में कब जाना है, डेट में कब जाना है, और वोलेटिलिटी का फायदा वो कब उठा सके। यहाँ पर जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, जिस तरह के फंड्स की हम इस वक्त बात कर रहे हैं भरत जी, वो अपने आप में काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाइड है। अब अगर इसके साथ आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी है, तो ये ओवरऑल आपकी रणनीति में ओवर डाइवर्सिफिकेशन का केस तो नहीं हो जाएगा? और अगर है, तो इससे बचा कैसे जाए? देखिए, मेजर रिटर्न्स जो आते हैं वो एसेट एलोकेशन से आते हैं, उसके बाद आपका सेक्टर सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपका स्टॉक सिलेक्शन होता है। तो अगर आप रिटर्न पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो पैसा सबसे ज्यादा एसेट एलोकेशन में बनता है। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन जहाँ मेजर रिक्वायरमेंट होता है वो एसेट एलोकेशन में पहला रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आपने एसेट एलोकेशन ठीक ठाक कर दिया तो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन उस रेंजेस में आएगा। अगर आपने पूरा पैसा डेट में डाला है तो आप नहीं एज्यूम कर सकते कि मुझे 50-100% का रिटर्न मिल सकेगा। अगर आप इक्विटी में पूरा पैसा डालोगे तो रिस्क भी उतना ही बढ़ पाएगा। तो आपको ये देखना है कि एसेट एलोकेशन में डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर जो निवेशक है वो हमेशा ये छोड़ देते हैं, पहला वो ये नहीं करते। और सेकेंड दूसरा है जो सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन है और स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन है, कि हमने कितने स्टॉक खरीदे हैं और कितने कितने सेक्टर में खरीदे, ये सेकेंड लेवल ऑफ एनालिसिस है। तो पहला एनालिसिस वो है कि एसेट एलोकेशन ठीक कर दीजिए, आपका
80-90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद जो जो दूसरा जो प्रॉब्लम है, जो सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन और स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन है, वो दूसरा लेवल का प्रॉब्लम है। उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि 2 या 3 फंड से ज्यादा हर एक कैटेगरी में मत रखिए। तो हाइब्रिड कैटेगरी के फंड जब आप डालते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो क्या ये आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं, या आपको लगता है कि कोर पोर्टफोलियो थोड़ा सा और सिंपल होना चाहिए, जहां पर आप अपने लिए इंडेक्स फंड ले लेते हैं, एक फ्लेक्सी कैप ले लिया, एक लार्ज कैप ले लिया, या आपको लगता है कि इसमें हाइब्रिड को भी इंक्लूड किया जा सकता है? मेरे हिसाब से एक निवेशक को हमेशा हाइब्रिड फंड अपना कोर पोर्टफोलियो बना के चलना चाहिए, क्योंकि आपका बल्क ऑफ पैसा अगर सही ढंग से इन्वेस्ट हो रहा है इक्विटी और डेट के पोर्शन में, तो ये सबसे बेटर क्वालिटी है। उसके बाद अगर आपको उसके ऊपर टॉपअप करना है कि मुझे इक्विटी ज्यादा लेनी है, मुझे थोड़ा और रिस्क लेना है, मुझे सेक्टोरल फंड लेने हैं, मुझे मिड कैप लेना है, मुझे स्मॉल कैप लेना है, वो ओवर एंड अबव होना चाहिए मेरे ओपिनियन में। इससे क्या होता है कि आपका जो एक रेगुलर जो डिसिप्लिन्ड वे ऑफ वर्किंग होता है, वो काफी हद तक सॉल्व हो जाता है। मैंने जैसे कहा, एसेट एलोकेशन आपका मेजरली आपका 80-90% आपका रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन होराइजन बताएगा। तो एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स में डालना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे हिसाब से। तो पहला वो कर दीजिए, उसके बाद आप टॉपअप ये कीजिए। तो एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट आपका कोर प्रोडक्ट होना चाहिए। अच्छा मनीष जी, एक बात बताएंगे, थोड़े कंजर्वेटिव निवेशकों की हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला हमारे देश में भी बहुत जल्द शुरू हो ही जाएगा। अब ऐसे में लोगों का रुझान एक बार फिर से फिक्स डिपॉजिट की ओर बढ़ने लगेगा, और वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स, फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, जहां पर हम कहते हैं कि लोगों को ज़्यादा अपना निवेश नहीं करना चाहिए, अब कहीं ना कहीं हाइब्रिड के अंदर भी एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी है। तो अगर मैं बाकी फिक्स्ड इनकम के मुकाबले इसकी तुलना करूँ, तो मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद होगा, किस तरह के लॉक इन के साथ मुझे इस पर इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, और अगर मैं पेंशनर्स की बात करूँ, तो उन्हें क्या अपनी लमसम कमाई यहाँ पर पार्क कर देनी चाहिए? देखिए, सब सब इंस्ट्रूमेंट, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे हाइब्रिड कैटेगरीज के कंजर्वेटिव डेट फंड हो, या डेट फंड्स में भी बहुत सारे फंड्स हैं जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, गिल्ट फंड, सबके अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। मैं फिक्स्ड इनकम में या फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फिक्स डिपॉजिट में किसी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, काफी इन्वेस्टर के लिए काफी सिंपलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट है। इन्वेस्टर को मालूम है मैंने आज 100 रुपए लगाए हैं, मुझे 5 साल बाद में, 3 साल बाद में हमें कितना पैसा मिलने वाला है। ये बहुत सिंपलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट है, और हम जितना सिंपल प्रोडक्ट्स बनाएंगे उतना फायदा रहेगा कस्टमर के लिए समझने के लिए। तो पहला ये है कि सब प्रोडक्ट्स में काफी एडवांटेजेस रहेंगे, डिसएडवांटेजेस रहेंगे। हमने एक और चीज नोटिस किया है, इन्वेस्टर्स लोग, जो निवेशक है, वो 3 साल 5 साल व्यू ले लेते हैं फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स के लिए, बट यही 3 साल 5 साल व्यू और कोई प्रोडक्ट के लिए बहुत जल्दी से लेते नहीं है। सबका ध्यान रहता है कि 3 महीने में 6 महीने में मेरे कितने रिटर्न्स बन पाए। तो एक दूसरा ये प्रॉब्लम हमेशा आता है, हम बाकी सब प्रोडक्ट्स कस्टमर को या निवेशकों को ये देने की कोशिश करते हैं। तब अगर आप देखेंगे कि पेंशनर फंड, पेंशनर के लिए हाइब्रिड कैटेगरी एक बहुत अच्छी कैटेगरी हो सकती है, क्योंकि उनको 2 सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हमेशा रहते हैं। एक तो पहले ही उनका प्रॉब्लम रहता है कि हमको रेगुलर इनकम चाहिए। तो आप पेंशनर के लिए रेगुलर इनकम, आप या तो डिविडेंड प्लान के थ्रू आइए या सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आइए, अपॉर्चुनिटी है कि आप रेगुलर इनकम ले सकते हो काफी हद तक इस हाइब्रिड फंड या कोई भी म्यूचुअल फंड के स्कीम को। दूसरा एक प्रॉब्लम होता है, उनको कोशिश ये है कि हमारा वेल्थ प्रिजर्वेशन हो, हमें इन्फ्लेशन जितना रिटर्न मिल जाए तो भी काफी है, क्योंकि अगर हमारे जो खर्चे हैं वो बराबर से निकल जाए तो अच्छा रहता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे इक्विटी सेविंग प्रोडक्ट्स से अगर आप चालू करेंगे काफी हद तक, जैसे जिसका जितना रिस्क प्रोफाइल है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके पास कितना वेल्थ है, तो आप इक्विटी सेविंग से लेके एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, वो काफी हद तक कोर पोर्टफोलियो में पेंशनर के रह सकता है। आपको रेगुलर इनकम आने के चांसेस हाई है, और
और आपका जो इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन हो सकता है, बिकॉज इक्विटी कंपोनेंट इसमें रहता है, तो इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन भी थोड़ा मिल सकता है। बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर आप जब अपने फंड को रिबैलेंस करते हैं, जब शफल करते हैं अपने फंड के एक्सपोजर को, पोर्टफोलियो को, तो किन किन बातों का मुख्य तौर पे आप मौजूदा समय में ध्यान दे रहे हैं? सो ये एक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी हाइब्रिड कैटेगरी में, जहाँ पे द फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि इक्विटी और डेट में कितना एक्सपोजर रखना चाहिए। ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें दो टाइप के फंड्स अवेलेबल होते हैं, और मोस्ट ऑफ दी फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन नहीं होता, एक मॉडल होता है जो मॉडल के थ्रू होता है, और जो दो मॉडल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल मॉडल है, एक प्रो सिक्लिकल एसेट एलोकेशन मॉडल है, एक काउंटर सिक्लिकल। मैं जस्ट आपको एक थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। प्रो सिक्लिकल एसेट एलोकेशन मॉडल जिसको कहते हैं, जिसके मार्केट के साथ ही आप चलते हो, अगर मार्केट तेजी में है तो आप बोलते हो मार्केट में हम इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर मार्केट मंदी में है तो हम इक्विटी में कम इन्वेस्ट करो, ये प्रो सिक्लिकल अप्रोच है। दूसरा है काउंटर सिक्लिकल अप्रोच, वहां पे जब बोलते हो मार्केट में अगर तेजी है तो मैं इक्विटी में एक्सपोजर कम कर देता हूँ, मार्केट में मंदी है तो इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ। दोनों अप्रोच ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो काफी एक्सेप्टेबल अप्रोचेस है, बट इंडियन कंटेक्स्ट में हमने काफी हद तक देखा है ये अप्रोच में प्रो सिक्लिकल अप्रोच, जहां पे तेजी रहती है वो तेजी में आप तेजी करो और मंदी में मंदी करो, वो अप्रोच काफी हद तक इंडियन मार्केट्स में प्रोबेबिलिटी वाइज काफी बेटर रिटर्न्स देती है। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटी काफी हाई है, अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में वो इक्विटी एक्सपोजर आप वेरी कर सकते हो उस तरीके से। ऑलराइट, इसी कैटेगरी के बारे में अगर मैं और विस्तार से बात करना चाहूँ, अगर किसी ने इस कैटेगरी को अगर पहले अपने पोर्टफोलियो में डाला है, इसके बाद दूसरे तरह का फंड कौन सा होना चाहिए? तो अगर अगर आप देखेंगे बैलेंस एडवांटेज फंड आपका कोर पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर में चला जाता है, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि अभी जैसे मार्केट में अगर आपको लग रहा है कि इक्विटी मार्केट में तेजी है तो आप अपना नेक्स्ट फंड आप भले ही इक्विटी फंड ले सकते हो, अगर मार्केट में मंदी दिख रहा है तो आप डेट फंड ले सकते हो। तो आपका कोर पोर्टफोलियो मैनेजर ऑटोमेटिकली इक्विटी डेट पे तो कर रहा है, आपको टॉप अप करना है तो आप अपना इक्विटी और डेट पोर्टफोलियो टॉप अप कर सकते हो उस कंटेक्स्ट में। मुझे ये बताएं कि अभी ये जो 30 दिनों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है सेबी की तरफ से रीबैलेंस करने के लिहाज से, ताकि यूनिफॉर्मिटी एक तरह से स्थापित की जाए, ये कितना आपको सही लग रहा है और ज़रूरी कदम लगा? ये काफी सही कदम है, अगर आप देखोगे एक हमेशा इन्वेस्टर फ्रेंडली मूव होता है कि अगर सबका यूनिफॉर्म प्रोसीजर हो ऑफ डूइंग थिंग्स, ये हमेशा एक अच्छा चीज रहता है। अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ओवरऑल प्रैक्टिस तो वैसा ही करता था कि कुछ दिनों में रीबैलेंसिंग होती ही है, और हाइब्रिड कैटेगरी में बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ है कि रीबैलेंसिंग होना कंपलसरी होना चाहिए, बिकॉज आप इन्वेस्टर को आप बोलते हो कि हम एक बैलेंस वे में आप इक्विटी और हाइब्रिड में पैसा डाल रहे हैं, अगर रीबैलेंसिंग अगर टाइम से नहीं हुआ तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइब्रिड फंड्स डू लूज दैट आउट, सो दैट इज द रीजन आई इन माई ओपिनियन वो हमेशा होना चाहिए। सेबी ने एक फॉर्मली अभी कह दिया है कि 30 दिन में आपको रीबैलेंसिंग करना है, तो इट्स अ गुड स्टेप इन माय ओपिनियन एंड इट्स अ वेलकम मूव फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। चलिए आखिर में आपके निजी सफर की बात करते हैं। आपका पहला निवेश और निवेश के साथ आपका तारुफ कैसे हुआ? सो निवेश से मेरा तारुफ काफी पहले हुआ था, मैंने इनफैक्ट अगर मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था तभी एक कोई हमारे रिश्तेदार घर पे आए थे और उन्होंने मुझे इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए कहा था कि आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट लीजिए, इसमें आपको इतने रिटर्न मिलेंगे। तो एक हमने वो पहले प्रोडक्ट के थ्रू चालू किया था, बाद में हमें मालूम पड़ा कि आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को दो सेपरेटली आप ट्रीट करना चाहिए, दोनों को साथ में मर्ज नहीं करना चाहिए। तो एक वो एक हमने एक स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उतना ज्ञान नहीं था, तो धीरे धीरे वो समझ आई कि दो प्रोडक्ट को कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालना चाहिए, इंश्योरेंस एक अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है, दोनों को अलग सेपरेट किया जाए।
ओके, तो यहाँ तो आप गलती करने से बच गए। तो निवेश की जब शुरुआत हुई तो कुछ गलतियां की हैं आपने? जैसे मैंने कहा कि मैंने वो पहले गलती जो कर दी कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को साथ में समझ के चल रहा था कि इंश्योरेंस के साथ ही मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मेरे हिसाब से वो थोड़ा गलत अप्रोच है। स्टार्टिंग में जब आप यंग हो तब आपको कोशिश करनी चाहिए ये सेपरेट ही रखे, बाद में भी सेपरेट ही रहे तो बेटर रहता है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट हमेशा सेपरेट ही रहो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये गलती स्टार्टिंग में मेरे करियर के जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी ये गलती हुई थी। अभी काफी हद तक मेरे इन्वेस्टमेंट्स काफी हद तक सेपरेट आउट है। इंश्योरेंस इज डिफरेंट, इन्वेस्टमेंट्स इज डिफरेंट। दैट इज हाउ आई रन द माय पर्सनल आपने वेल्थ। अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो बनाया है उससे कोई अपना आर्थिक लक्ष्य पूरा किया है? आर्थिक लक्ष्य अगर आप देखें तो हम लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे स्ट्रक्चर में हमने सब म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट्स है हमारे। और हमारे जो गोल्स या आर्थिक लक्ष्य हमारे जो है वो हमने चालू तो किए थे, जैसे हमारे घर लेने का है या हमारे बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से हमने जो किए थे उस हिसाब से हमने अपने है। अभी भी हम सेविंग मोड में हैं, मतलब अभी क्योंकि नेक्स्ट 5-10 साल हमारे सेविंग मोड है जहाँ पे हम कमा रहे हैं, बचा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जहाँ पे प्रोसेस चल रहा है 10 साल बाद में हम वो यूटिलाइज करेंगे हमारे आर्थिक गोल पे। पर एक गोल तो हमने जरूर कंप्लीट किया है, घर लेने का, वो गोल तो हमने कंप्लीट कर दिया है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप अपने सारे आर्थिक लक्ष्य पूरे करें और साथ ही दर्शकों और निवेशकों को भी उनके आर्थिक लक्ष्य पूरे करने के लिए नए से नए फंड्स दें और निवेश के मौके दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।